कस्टम एरर का मतलब क्या है? कस्टम एरर एक अपने नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर है, कस्टमाइज की हुई एरर, यानी हम अपने आप जो एरर बनाए। जैसे कि आपने बहुत सारी बार देखा होगा अपने डेवलपमेंट लाइफ में कि हमारी एप्लीकेशन में कोई रन टाइम एरर आती है, कोई डायनेमिक एरर आती है जो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही होती है, और कोई सर्वर एरर आती है और वो येल्लो सी एक गंदी सी मनहूस स्क्रीन आ जाती है हमारे सामने। आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, फिर अपन आगे इसमें बात करेंगे। ये मेरी एप्लीकेशन है, मान लीजिए मैं सिंपल एक एरर लाने की कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट टेक्स एरर डॉट एसपीएक्स, ये पेज है हमारा, और इस पेज का ये लिंक कुछ ऐसे ही गलत कर देता हूँ इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन कराते हैं हम प्रोजेक्ट को। अब इस एरर को आप समझिए, इसमें क्या लिख रखा है, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, और इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन दी रखी होती है HTTP 404 एरर, जो सोर्स कोड है एरर का, कुछ हमें हिंट भी दे रखी है। ये एरर बाय डिफॉल्ट एरर आ रही है सर्वर के द्वारा कि हमें ये पेज मिला नहीं, डायरेक्ट टेक्स एरर 1 नाम का ऐसा कोई पेज है ही नहीं, हमारा पेज तो ये 1 नहीं है उसके अंदर, है ना, नाम गलत हो गया, तो पेज नॉट फाउंड है। तो इस एरर पे अगर मान लीजिए आप सोचिए एक बार, जो भी इस एरर में यहाँ पे और थोड़ा क्लियर से लिखा होता है इस एरर के बारे में, एज अ डेवलपर हमें अच्छे से समझ आता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आजकल पेमेंट वेबसाइट्स हैं या कुछ हैवी वेबसाइट्स होती हैं, उसमें एरर आती है तो वहां पे प्रॉपर रीडेबल एरर आती है जिसको यूजर आराम से पढ़ ले और उसको समझ के उसे समझ आ जाए कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है और मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। तो वैसी एरर अगर हम एप्लीकेशन पे लाना चाहते हैं, एक यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं एक रीडेबल एरर आए, एक मशीन कोड जैसी एरर ना आ जाए, तो उसके लिए हम कस्टम एरर क्रिएट करते हैं। तो इस एरर की जगह, इस पेज की जगह हम अपना पेज बनाएंगे एरर का। क्लियर है? ये टॉपिक है हमारा आज, कस्टम एरर। अपनी एरर अपने शब्दों में हम वहां पे मैसेज देंगे। तो वो एरर बनाने से पहले, एरर हमें एरर पेज बनाने से पहले और कैसे बनानी है वो देखने से पहले हम ये कि ये देख लेते हैं HTTP 404, ऐसे ही करके एरर के बहुत सारे कोड्स होते हैं, इनका क्या रिलेशन है उससे, क्योंकि ये भी काम आएगा उसमें। तो हमारे जो HTTP के जो HTTP स्टेटस होता है, यानी सर्वर का स्टेटस, सर्वर पे क्या एरर आई, पेज मिला नहीं मिला, अगर हमारा क्रैश हो गया, हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई या कुछ सक्सेसफुल हो गया जो होना था, तो उन एरर्स के लिए सबके लिए कोड निर्धारित किया हुआ है HTTP प्रोटोकॉल्स के अंदर, वो कोड्स हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक बताता हूँ, HTTPstatus.com है, ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है, आप उस पर जाइए और ये देखिए ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, और यहाँ आप इस कहानी को समझ सकते हैं। ये देखिए इंफॉर्मेशनल 1 से जो कोड स्टार्ट होते हैं, 100 से 102 तक, ये इंफॉर्मेशनल कोड है कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए वहां पे। अगर आप अपनी एरर बनाना चाहते हो तो आप इन कोड्स को यूज कर सकते हो, कंटिन्यू के लिए, स्विचिंग प्रोटोकॉल्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। 200 से लेके 226 तक ये सक्सेस कोड्स हैं। उसके बाद 300 से ये वाले हमारे कोड है मल्टीपल चॉइस, परमानेंट, डायरेक्ट, यूज प्रॉक्सी, ये 300 वाले कोड हैं। उसके बाद 400 वाले तो आपने सबसे ज्यादा देखे होंगे नेट पे, 404 सबसे ज्यादा फेमस है, नॉट फाउंड, फॉरविडन एरर बहुत ज्यादा, 403 पेमेंट रिक्वायर्ड करके, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स के कोड हैं, आप जिस कोड को अपनी स्पेसिफिक एरर के लिए यूज करना चाहते हैं, आप एक एरर का पेज बना रहे हैं और उस एरर को, वो एरर कब आए, किस कंडीशन में आए, तो वो कोड आप इनमें से यूज करें। तो आप ऐसे करके एरर्स बनाइए, एक यूजर फ्रेंडली और हैवी अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए जो आपकी हमेशा कम्युनिकेट करने वाली हो यूजर के साथ, क्लाइंट के साथ और सर्वर के साथ, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये एरर्स के पेजेस बनाना बहुत ही आवश्यक है। और ये 500 से देखो इंटरनल सर्वर एरर्स हैं, ये बहुत सारी एरर्स आपने यूज करी होंगी। तो 100 से लेके 599 तक ये हमारे ऐसे कोड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी एरर्स बनाने के समय, और इनको बनाना कैसे वो आगे हम बताएंगे। बस अभी आप ये समझ लीजिए, ये हमारे कोड्स हैं, ये हमारा कोड था ना HTTP 404, क्योंकि पेज मिला नहीं ना, पेज नॉट फाउंड, तो इसलिए 404 अपने आप आ गया। हमें डालना पड़ेगा, अगर हम कस्टम एरर बना रहे हैं तो हमें वो कोड डालना होगा किस लिए हमने वो पेज बनाया। तो अब तक हम ये समझे कि हम ऐसी एरर ना लाएं जो बाय डिफॉल्ट जो एरर है, इसकी जगह अपना पेज एरर का बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम कस्टम एरर यूज करते हैं। कि कस्टम एरर्स हमें एक तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है, कि एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है एरर्स को हैंडल करने की। इन एरर्स के, जब बात एरर की हो रही है, तो एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप कोड लिख रहे हैं, सी शार्प में लिख रहे हैं, तो ट्राई कैच जरूर यूज करें,
प्रोग्रामिंग का, यानी सर्वर साइड कोड लिख रहे हैं तो उसमें ट्राई कैच जरूर यूज करें, जिससे कि एरर आने के चांस कम से कम हो। कि कस्टम एरर्स दो टाइप की होती है, एक पेज लेवल और एक एप्लीकेशन लेवल। विजुअल स्टूडियो पे अपन चलते हैं, देखिए ये हमारी वेबसाइट, देखिए एक तो ये हमारी पूरी वेबसाइट में ये सैकड़ों पेज हैं, तो इतने सारे पेजेस हैं और हम चाहते हैं कि हम अपनी कस्टम एरर्स बनाएं और पूरी एप्लीकेशन, ये हमारी पूरी जो एप्लीकेशन है, इस पूरी एप्लीकेशन लेवल पे हम अपनी एरर्स बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। और आपको अगर जब मैं ये बात बता रहा हूँ एप्लीकेशन लेवल की, तो आपके दिमाग में एज अ डेवलपर दो बातें क्लिक होनी चाहिए। एप्लीकेशन लेवल पे दो फाइलें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे एक तो सबसे बड़ी है web.config फाइल, ठीक है, और एक हमारी फाइल होती है global.asax फाइल। web.config फाइल का भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप इस फाइल में वो सेटिंग्स करते हैं जो आपकी पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होती है। और उसके बाद global.asax फाइल है, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो फाइल से आप जो सेटिंग्स करते हैं वो आपकी पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होती है। वो ऐसे इवेंट को हैंडल करती है जो आपके एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। मैं समझाऊंगा global.asx का भी आपको आगे। अभी हम बात कर रहे हैं कस्टम एरर की, जो कि हम web.config में यूज करते हैं। ये देखिए हमारी फाइल है, इसके अंदर हम अपनी वो सेटिंग्स करते हैं जो हमारी पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होती हैं। जैसे कि देखिए आपने, हमने टारगेट फ्रेमवर्क टारगेट का कर रखा है कि कौन से फ्रेमवर्क पे हम काम कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स हम यहाँ पे बनाते हैं जो पूरी एप्लीकेशन में हमारी अप्लाई होती हैं। तो ऐसी ही एक वो चीज़ है कस्टम एरर जो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेवल का देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पेज लेवल का, पेज लेवल एरर का, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए इस फाइल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा सिस्टम डॉट वेब नाम का एक टैग मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, और ये होगा कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, बेसिक हमारा जो रूट टैग है वो कॉन्फ़िगरेशन टैग है, और इसके अंदर हमें मिलेगा सिस्टम डॉट वेब नाम का टैग। इसके अंदर अगर ये बना हुआ नहीं है कस्टम एरर नाम का, तो आप बना लें। तो ये तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, और ये कस्टम एरर को मोड को क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है। कस्टम एरर मोड में एक बात समझने की बात है कि जो हम कस्टम एरर बना रहे हैं एप्लीकेशन लेवल, उसमें तीन मोड होते हैं, ऑन, ऑफ और रिमोट ओनली। और तीनों का हम समझ लेते हैं। ऑन का मतलब क्या होता है, जो हमारी कस्टम एरर है हम उसको ऑन कर रहे हैं, यानी वो रिमोट एप्लीकेशन हो चाहे वो हमारी लोकल एप्लीकेशन हो, दोनों पे ही हमारी वो कस्टम एरर ऑन रहेगी। यानी जो हमने कस्टम एरर के अपने पेजेस बना रखे हैं वो हमारे ऑन रहेंगे, वो इफेक्टिव रहेंगे। ऑफ का मतलब है चाहे लोकल एप्लीकेशन हो चाहे रिमोट एप्लीकेशन हो, दोनों पे ऑफ रहेंगे। रिमोट ओनली तीसरी जो हमारा मोड है, उसका मतलब है सिर्फ रिमोट पे वो ऑन रहेंगे और लोकल पे ऑफ रहेंगे। सिंपल, इन नाम से बहुत ज्यादा क्लियर है तीनों मोड। एक तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, एक एरर बना लेते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन लेवल एरर की बात हम कर रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन पे ही क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। और एरर पेज आप बना रहे हो वो होगा क्या, ESPX पेज ही होगा, तो आप बस ऐड कर लें न्यू आइटम। ये वेब फॉर्म विद मास्टर पेज है, ये मास्टर पेज से इनहेरिट होगा, और ये नॉर्मल वेब फॉर्म, तो हम नॉर्मल वेब फॉर्म ले रहे हैं। अगर आप एरर पेजेस के लिए भी एक मास्टर पेज बनाना चाहते हैं, वैसे मास्टर पेज का मतलब यही होता है कि आप एक बेसिक, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो, तो इसमें क्या हो रखा है, आप चाहे कोई भी पेजेस खोलें मगर ऊपर का जो हेडर है फूटर है वो सेम रहता है ना। आप वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां भी यही होता है, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं ये फूटर तो चेंज नहीं होता ना, ये फूटर हर पेज पे वही सेम रहता है। तो आप जो सेम यानी कॉमन डिजाइन है वो आप मास्टर पेज में बना सकते हो, वो सिंपल सी बात होती है। डॉट मास्टर नाम से पेज होता है, उसमें कॉमन डिजाइन बना लो और उस पेज से इनहेरिट कर लो, जितने भी पेज इनहेरिट करोगे उससे वो कंटेंट पेज होंगे और उनके अंदर वही डिजाइन अप्लाई होगा, और बीच का जो बॉडी वाला एरिया है, जो कंटेंट ए वाला एरिया, कंटेंट वाला एरिया, कंटेंट पैनल होता है ESP.NET में, उस पैनल में आप जो काम करोगे वो बीच में आ जाएगा, बाकी आपका हेडर और फूटर वो सेम सब पे चलता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो एरर के लिए अपना मास्टर पेज बनाना, तो वो भी आप बना सकते हो। मैं अभी वो नहीं समझा रहा हूँ, अपन को भटकना नहीं है टॉपिक से, अभी हम देख रहे हैं एरर के लिए। तो मैं मान लो वेब फॉर्म 1.aspx ले रहा हूँ, इसका नाम कुछ रख देता हूँ मैं, अभी मैं इसका नाम रख देता हूँ error1.aspx। आप इन पेजेस को नाम दे सकते हो प्रॉपर, किस लिए वो एरर का पेज आप बना रहे हो, पेज नॉट फाउंड के लिए बना रहे हो या किसके लिए बना रहे हो, वही आप प्रॉपर नाम दे तो अच्छी बात है। ये देखिए हमारा पेज बन गया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में भी आपको दिख रहा होगा। ये मैंने एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे डाल दी चेक करने के लिए, पता लग जाए माय कस्टम एरर पेज। सेव कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब जब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपना कस्टम एरर पे,
अब जो कि यहाँ पे मैंने ऑफ कर रखा है कस्टम एरर का, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। अब हम इसको ऑन करें, अगर इसका एंड टैग ले लेते हैं, जो कि पहले एंड टैग नहीं ले रखा था क्योंकि ऑफ ही था इसलिए, और अब मैं इसको कर देता हूँ ऑन। यहाँ पे तीन मोड है जैसे कि हमने बात करी थी अभी, ऑन ऑफ और रिमोट ओनली, तीनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। ऑन का मतलब एक कस्टम एरर वाली फैसिलिटी, यानी अपना आपने जो पेज बना रखा है, कस्टम कस्टमाइज पेज आपने एरर का बना रखा है, वो फैसिलिटी ऑन हो जाएगी, यानी वो पेजेस अब शो होंगे, वो बाय डिफॉल्ट एरर वाला जो अभी अपन ने जो एरर वाला देखा था ना वो नहीं आएगा, ये वाला जो हमारा एरर का जो बाय डिफॉल्ट पेज था ये नहीं आएगा, अब हम जो बनाएंगे वो आएगा, तो ये ऑन ये करेगा। ऑफ का मतलब होता है जैसे कि ऑफ था ऑलरेडी, ऐसा कोई कस्टम वाला एरर वाला पेज नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट जो सर्वर वाला बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी का सेट है वही पेज आएगा। और रिमोट ओनली का मतलब है सिर्फ रिमोट एप्लीकेशन, यानी मेरी एप्लीकेशन इस सर्वर पे यहाँ पे होस्ट कर रखी है, और मेरी एप्लीकेशन अब कहीं रिमोटली कहीं दुनिया में यूज करी जाती है, वहां सब जगह ही ऑन रहेगा, तो उसका मतलब है रिमोट ओनली। पर लोकल सर्वर पे, उस सर्वर पे जहां मैं चेक कर रहा हूँ या एप्लीकेशन रन करा रहा हूँ डेवलपमेंट पर्पज के लिए, वहां वो एरर नहीं आएगी जो कस्टम एरर वाली है, तब मैं रिमोट ओनली को चूज करूंगा। और ऑन का मतलब है चाहे रिमोट हो चाहे लोकल हो, दोनों पे ऑन रहेगी। ऑफ का मतलब है दोनों पे ऑफ रहेगी। ये बहुत सिंपल सा हमारा फंडा है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन रहेगी अब सब जगह, लोकल पे भी, और जहां अभी एप्लीकेशन हमने यही रख रखी है तो ये लोकल पे है और मैं लोकल पे ही रन करा रहा हूँ, रखी भी यही है, होस्ट भी यही है, एप्लीकेशन यही रन करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं रिमोट ओनली वाला फैसिलिटी नहीं ले सकता, नहीं तो फिर ये यहाँ नहीं होगी। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी इसमें ध्यान रखनी है मोड में। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अगली चीज क्या होती है, यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है डिफॉल्ट रीडायरेक्ट। कस्टम एरर का डिफॉल्ट रीडायरेक्ट का मतलब है कि जब भी कोई एरर आए तो कौन सा पेज हमारा एरर के लिए खुले। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बना लिया था error1.espx, ठीक है, तो आपको अपन को क्या करना है, यहाँ पे टिल्ड लगाना है। टिल्ड का मतलब क्या होता है, टिल्ड का मतलब होता है रूट डायरेक्टरी, और ऐसे करके इसका मतलब होगा कि error1.espx हमारा रूट डायरेक्टरी में ही पेज पड़ा हुआ है, पूरा पाथ होता है एकदम परफेक्ट। तो ये तो हो गया हमारी कस्टम एरर की, अगर बाय डिफॉल्ट ये पेज रन हो। मगर स्पेसिफिक एरर्स के लिए भी यहाँ पे हम स्पेसिफिक पेजेस बहुत सारे ले सकते हैं, पहले मगर इसको एक बार रन कराते हैं। एरर के लिए हम वही करते हैं, यहाँ पे जो लिंक है गेमिंग पाथ डॉट ए एस पी एक्स, यहाँ पे 1 लगा देता हूँ, यानी अभी पेज नॉट फाउंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने गलत पेज नंबर डाल दिया यहाँ पे। वेब डॉट कॉन्फिग में मैंने क्या कर दिया, यहाँ डिफॉल्ट रिडायरेक्ट कर दिया कि अगर एरर आएगी, सर्वर एरर कोई भी डायनेमिक एरर, तो ई वाला पेज मेरा रन होगा। और अब इस एप्लीकेशन को मैं रन कराता हूँ, यहाँ मैंने वो लिंक डाला हुआ है, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करा एरर आई। अगर एरर क्या आई आप देखो, माई कस्टम एरर, मैंने क्या लिखा, गेमिंग पाथ 1.espx, ये गलत पेज नाम डाल दिया, और यहाँ पे एरर आई मेरी ये वाली जो मैंने बना रखी है कस्टम एरर, ये हमारा बाय डिफॉल्ट एरर मैंने डाल दी, वो आ गई। अब हम इसमें अगली चीज एक और देख लेते हैं कि अगर मैं कोई स्पेसिफिक एरर के लिए कस्टम पेज बनाना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे कैसे यूज करूंगा कस्टम एरर में। मान लीजिए मैं पेज नॉट फाउंड के लिए बनाना चाहता हूँ, सिंपल एरर का कॉन्सेप्ट यही रख लेते हैं। एक और हम पेज ले लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके एड पे जाते हैं और न्यू आइटम, और वेब फॉर्म हम यहाँ पे एक चूज कर लेते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे, पेज का नाम ही अच्छा सा, पेज नॉट फाउंड नाम का मैंने एक पेज बना लिया डॉट ए एस पी एक्स, और एड कर लिया यहाँ पे पेज, ये देखिए ये मेरा पेज यहाँ पे बन गया। यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ जब ये रन हो पता लग जाए, ये सिंपल सा एकदम बहुत क्लियर सा मैसेज दे दिया, इसको सेव कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वाली एरर है मेरी जो error1.espx, जब कोई मैंने स्पेसिफिक एरर के लिए यहाँ पे नहीं दे रखा तब तो यही आए, मगर जब पेज नॉट फाउंड वाली बात हो तब उस, यानी 404 ये हमने देखा था ना स्टेटस कोड, ये देखिए पेज नॉट फाउंड वाला, तो इसके लिए मैं एक स्पेशल पेज बना रहा हूँ, वो है पेज नॉट फाउंड, बना ही लिया। अब हम उसको कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे वो देखते हैं, इसका चाइल्ड एलिमेंट होता है एरर, और फिर उसके बाद इसके हमें क्या करना है रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट हम कहाँ करना चाहते हैं, जो मैंने अभी पेज बनाया था, क्या नाम था उस पेज का, Ctrl+C, tilde यानी रूट डायरेक्टरी, / और पेज का हमारा नाम, क्लियर है। अभी देखो यहाँ एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि ये स्टेटस कोड नाम का जो इसका एट्रीब्यूट है ये जरूरी है, देखो तुरंत एरर चली गई, और किस एरर के लिए हम बना रहे हैं 404,
इस तरीके से दोस्तों आप सैकड़ों हजारों जितनी भी एरर के लिए आप पेज बनाना चाहते हैं, जितने स्टेटस कोड ऑलरेडी हैं वहां जो मैंने आपको बताया 100 से लेके 599 तक के, वो सारे कोड्स के लिए आप जो अपने यहाँ पे पेजेस बना सकते हैं, स्पेसिफिक एरर मैसेज, स्पेसिफिक पेज, आप जो भी मैसेज डालना चाहते हैं यूजर के लिए, एकदम फ्लेक्सीबिलिटी ये आपको प्रोवाइड कराएगा एप्लीकेशन लेवल पे एरर्स शो करने के लिए। सेव कर देते हैं और मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रन कराता हूँ। वो हमारा पेज का नाम गलत है ही, आपको ध्यान ही है। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए कौन सा पेज आया, वो नहीं आया जो पहले आया था, अब हमारा वो पेज आया जो अभी हमने बनाया था पेज नॉट फाउंड के लिए, द पेज यू वॉन्ट टू रिडायरेक्ट इज नॉट फाउंड। ये 404, इससे उसने तुरंत पता लगा लिया कि इस कस्टम एरर वाली फैसिलिटी ने ये पता लगा लिया, कोई ऐसी दूसरी जनरल एरर नहीं है जिसके लिए हमारा डिफॉल्ट पेज शो कर दे। उसको पता लग गया कि हमारी पेज नॉट फाउंड वाली एरर है, इसलिए उसने ये वाला पेज हमारा शो करा, ये वाला नहीं करा। तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सा एक डेमो था, कैसे हम पेजेस बना सकते हैं कस्टम एरर के लिए हमारे, और कैसे हम उन एरर्स को हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप दोस्तों इन वाले पेजेस को आप चाहे शीशा के पेज पे, अपन आप कहीं भी आपका कोड हो, ये वाला पेज हो, अपना शीशा वाला पेज हो, यहाँ पेज लोड पे आप किसी एरर पे वो इस पेज को कॉल करना चाहते हैं, एरर को पेज नॉट फाउंड वाली, कहीं भी उस पेज को आप इन इस पेज को आप आराम से रिडायरेक्ट करो, कॉल करो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पेज लेवल। तो हमारा जो ये गेमिंग पाथ नाम से, देखो फाइल का नाम ऑलरेडी अभी भी गलत ही है, ठीक है, मैं नहीं चाहता ये पूरे एप्लीकेशन लेवल पे ये एरर हमारी किसी तरीके से रिडायरेक्ट हो पेज। मैं चाहता हूँ जब इस पेज पे आए तभी रिडायरेक्ट हो। आपको बस यहाँ पे जो अपना ये जो हमारा पेज डायरेक्टिव है, आपको पता है ASP.NET की एप्लीकेशन में सबसे ऊपर वाली लाइन होती है हमारा जो पेज डायरेक्टिव है, इसके अंदर आप कहीं पे भी आके और आप यहाँ पे अपना एरर ले, ये आपको दिखेगा यहाँ पे एरर पेज, और आप एरर पेज लिखें और उस एरर पेज का नाम लिख दें, आप PQRL पे क्लिक करें, और अपन को पता है आपको कि हमारा ये वाला पेज है, अगर ये वाला लेना है तो ये वाला ले लीजिए। जो भी एरर आप इस पेज लेवल पे शो करना चाहते हैं वो आप एरर पेज ले लीजिए और उसे ओके कर दीजिए। तो पेज लेवल वाला ज्यादा काम नहीं आता, वो एट्रीब्यूट एक है उसका पेज डायरेक्टिव का, आप वो यूज कर सकते हो। हमने देखा web.config पे और उसके बाद पेज एरर, और अब हम देख रहे हैं global.asx फाइल, वो हमारा आज का इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है global.asx। सबसे हायर लेवल पे यानी पूरी एप्लीकेशन लेवल पे रूट डायरेक्टरी में रहती है, ध्यान रखना है पूरी वेबसाइट जो हमारी है इसकी रूट डायरेक्टरी में, यानी जैसे कि हमने एरर्स बनाई थी अभी, ये वाली एरर्स जैसे हमने रूट डायरेक्टरी में डाली थी, web.config हमारी रूट डायरेक्टरी में रहती है क्योंकि ये पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होती है, ऐसे ही global.sx फाइल भी हमारी रूट डायरेक्टरी में रहती है, यानी डायरेक्टरी के रूट लेवल पे सबसे ऊपर, किसी फोल्डर में नहीं रहती। इस फाइल में होता क्या है, जो हमारे इवेंट्स है, हायर लेवल एप्लीकेशन इवेंट्स है, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन एंड, सेशन स्टार्ट, सेशन एंड, यानी पूरी एप्लीकेशन पे काम करने वाले फंक्शंस यानी इवेंट्स, पूरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट होने वाली इवेंट है, जो उन इवेंट्स को हम इस फाइल में बनाते हैं। तो एक बार बना के देख लें, बस आपको क्या करना है, अपने राइट क्लिक करना है वही अपने प्रोजेक्ट पे, ऐड पे क्लिक करना है, न्यू आइटम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखना है हमारी ASX फाइल। आप यहाँ नीचे देखते रहिएगा लगातार ASPX आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे ASX आ जाएगा, ASX ये वाला देखो, ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास, ये हमारी ग्लोबल क्लास है, बार आप इसको ऐड कर लो, ये हमारी फाइल यहाँ पे बन के आ गई। अब आप इसमें देखो, आप इवेंट देखो कितने इंटरेस्टिंग है, आप चाहते हो कि हमारी जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो कुछ कोड रन हो या कुछ पॉपअप आ जाए, कोई और विंडो हो, कोई मैसेज आ जाए, तो वो काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो सेशन स्टार्ट हो तो क्या हो, तो वो यहाँ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एप्लीकेशन बिगिन रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन एरर, ये वाला काम है हमारा जो हम करना चाहते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन लेवल पे जो एरर अगर आती है तो क्या हो, वो हम यहाँ लिखेंगे। ये है जो हमने web.config में किया था, वो हमारा एप्लीकेशन लेवल पे हमने जो एरर्स को अलग अलग बनाया, मगर उसमें और इसमें डिफरेंस है बहुत सारे, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके अंदर हम एरर को हैंडल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या होता है, हम कोई भी चीज सीखते हैं तो सबसे पहले वाई आ जाता है, क्यों जब मैं web.config फाइल में एरर्स बना सकता हूँ सैकड़ों, और वहां से हम सारी एरर्स देखो कितनी स्मूथली सारी एरर्स अपने आप कॉल हो रही है, और वो भी HTTP स्टेटस कोड के हिसाब से, यानी सर्वर को पता है कि इस टाइप की एरर है तो वो वाला वो पेज कॉल कर दे रहा है। तो ये क्यों करें हम, उसके लिए आपको समझना ये जरूरी है, वो ये कहावत होती है ना कि जहां सुई का काम है वहां तलवार की जरूरत थोड़ी होती है।
तो वही डिफरेंस है इसमें, वो हमारी जो कस्टम एरर्स हैं जो हमने वहां बनाई थी, वहां पे आप सैकड़ों कस्टम एरर्स बना सकते हो, और हर एक कंडीशन पे, हर एक HTTP स्टेटस कोड के हिसाब से आप वो एरर्स को कॉल कर सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को उन एरर्स की ओर। पर अगर आप चाहते हो कि पूरी एप्लीकेशन लेवल पे कोई भी एरर आए, एक ही पेज रीडायरेक्ट हो, आप वहां भी कर सकते हो। web.config में हमने देखा था, अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट एरर दे सकते हैं ये वाली, ठीक है, आप ये वाली एरर ना दो और डिफॉल्ट एरर आपकी कॉल होगी, ये भी ठीक है। मगर अगर आप चाहते हो कि हमारे सर्वर कोड से, सी शार्प कोड से ऐसा हो कि एक ही एरर कॉल हो, तो वो आप यहाँ बना सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन global.esx फाइल में आप दो बार रिडायरेक्ट कर सको एप्लीकेशन को, या दो एप्लीकेशन एरर्स को बना सको, नहीं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, उस डिफॉल्ट एरर की जगह एक एरर आप बना के और एप्लीकेशन लेवल पे आप वो कॉल करना चाहते हो, तो आप ये global.esx फाइल का एप्लीकेशन एरर नाम का इवेंट यूज कर सकते हो। इवेंट हैंडलर आपका मैंने बता ही दिया, एप्लीकेशन एरर है। और इन दोनों बातों से एक क्लियर होती है कि अगर आपको HTTP स्टेटस कोड के हिसाब से अलग अलग एरर्स कॉल करनी है, तो web.config फाइल यूज करो, और अगर आपको पूरी एप्लीकेशन लेवल पे एक ही एरर कॉल करनी है, तो आप global.esx फाइल में एप्लीकेशन एरर नाम का इवेंट यूज करो। इन दोनों फाइलों में अगर आपने एप्लीकेशन एरर बना दी, अगर आप इस इवेंट को यूज करते हो और आप यहाँ पे कोड लिखते हो, तो वो वाला इफेक्ट नहीं करेगा, web.config वाला, क्योंकि ये पहले रन होगा। ध्यान रखना कि सबसे पहले पेज लेवल वाला, अगर आपने एरर कॉल कर रखी है पेज लेवल पे .espx फाइल में, तो कोई एरर आती है तो वो वाला पेज रिडायरेक्ट होगा, और अगर आपने यहाँ बना रखा उसके बाद यहाँ वाला होगा, और फिर अगर web.config वाला बना रखा तो वो नहीं होगा, अगर यहाँ वाला हो गया तो एरर आएगी, तो एक ही पेज कॉल होगा ना। तो अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं भैया, कैसे एरर बनाएंगे, ये है ना इंपॉर्टेंट बात। रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट हमें यूज करना है, रिडायरेक्ट मेथड हमने यूज करा, और हमारा जो URL है, क्या नाम है उसका, हमारा एरर .espx। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताऊंगा आपको, मैंने कोई एक्सेप्शन क्लास का यूज नहीं किया, वो मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा, पहले एक बार हम ये रन करा लेते हैं। और वहां हमने web.config में भी एरर 1.espx करा रखा है और 404, तो अभी तो web.config के हिसाब से जो फाइल नॉट फाउंड वाला एरर था, स्टेटस कोड 404 डाल रखा है, तो हमारा ये वाला पेज यूज होना चाहिए रन, ये वाला, द पेज यू वॉन्ट टू रिडायरेक्ट, ओके। मगर अब मैंने बना दिया global.esx, तो अगर प्रिसिडेंस देखा जाए तो भैया अब तो बस ये वाला होना चाहिए ना, एरर 1.espx, और चेक करते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखिए क्या आया, एरर 1.espx वाला पेज। और इसमें एक और डिफरेंस है, जब हम web.config वाली एरर की तरफ से कॉल कर रहे थे, तो हमारा पेज जब रन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे वही पाथ आ रहा था, मतलब पेज वो मिल ही नहीं रहा था, तो वही .espx वाला फाइल आ रहा था। मगर जब हमने डायरेक्ट रिडायरेक्ट कराया ये एरर 1.espx, तो एरर वाले पेज का नाम आ रहा है, हमारा प्रेसिडेंस लेवल जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ठीक है, अब हमारा ई वाला पेज कॉल हो रहा है, और इस एरर का कोई महत्व नहीं है, आप इसको कमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि अब आपने जबकि global.esx फाइल यूज कर ली है और आप ये वाला रिडायरेक्ट कर दिया है, तो अब वो कॉल कभी नहीं होगा web.config, अगर कोई एरर आएगी तो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, अगर आप एक्सेप्शन क्लास यूज नहीं करते हैं और आप प्रॉपर तरीके से रिडायरेक्ट नहीं करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास यूज करके, एक हमारा सर्वर का एक मेथड होता है सर्वर डॉट गेट लास्ट एरर, अगर आप उसके थ्रू सर्वर डॉट गेट लास्ट एरर यूज नहीं करते हैं एप्लीकेशन एरर इवेंट के अंदर, और फिर आप एरर की तरफ रिडायरेक्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो सर्वर को कभी पता नहीं लगेगा कि एरर आई थी। और इस बात के लिए मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एप्लीकेशन एरर, मतलब मींस अगर मेरी एप्लीकेशन में एरर आती है, तो डायरेक्ट मेरी यहाँ पे एप्लीकेशन रन होगी, यहाँ आएगी डायरेक्ट, और ये पेज रन हो जाएगा, मेरे सर्वर को ये पता थोड़ी लगेगा मैंने ये रिडायरेक्ट क्यों कर रखा है और ये एरर है, नहीं ना। तो ये आपको ऐसे नहीं करना है, कभी भी ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी एक्सेप्शन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को असाइन करना है किससे, सर्वर डॉट गेट लास्ट एरर, ये लिखा है रिटर्न द प्रीवियस एक्सेप्शन, यानी ये हमारे सर्वर को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, जो पिछली एरर आई थी वो रिटर्न कर देगा, तो यानी पता लग जाएगा सर्वर को, हाँ ये वाली एरर आई, मतलब लॉग, सिस्टम लॉग में, एप्लीकेशन लॉग में पता लग जाएगा एप्लीकेशन पे एरर आई थी। नहीं तो अगर आप ये नहीं करोगे, ये मेथड यूज नहीं करोगे, तो एप्लीकेशन का आपको पता ही नहीं रहेगा कि कोई एरर आई थी, तो आप कैसे फिर आगे फ्यूचर में उस पर काम करोगे। एरर आई और आपने यहाँ पे क्या करा, एक मैसेज दे दिया, आपने डेवलपर्स को मैसेज दे दिया, आप यहाँ पे मेल कर सकते हो इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल कि हाँ भाई ये एरर आई है, और डेवलपर को मेल चली जाए यहाँ पे, और वो आगे फ्यूचर में वो सही करें उनको, है ना, या वो पता लग जाए उन्हें कि ये एरर्स आ रही है यहाँ पे, और
और उसके बाद सर्वर डॉट क्लियर भी कर सकते हैं आप। ये मेथड है आपका सर्वर डॉट क्लियर एरर, ये देखो क्लियर द प्रीवियस एक्सेप्शन, उस एरर को क्लियर कर देगा। ये आप अलग से भी असाइन कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट असाइनमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे करके, ऑब्जेक्ट को यहीं पे सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट ये मेथड। एक लाइन का कोड बच गया हमारा, ठीक है इसको सेव कर दिया, अब रन करा लो आप। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा एरर कस्टम एरर का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, एरर्स के बारे में कस्टम एरर के इस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हुआ हो, सारे डाउट्स क्लियर हो, तो कमेंट करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।